जाओ पहले आगे थोड़ा सा चलो। पसंद आ रहा है कुछ भी? कुछ बिछा लीजिए, चटाई वगैरह। नवाब साहब आप नीचे बैठेंगे, कुछ बिछा लीजिए, चटाई वगैरह। चलिए साहब का गिफ्ट ये तुम्हारे लिए, मेरे तरफ से। अकीका का गिफ्ट आप कभी नहीं दे रहे क्या? नहीं नहीं दीदी, ये सो हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो गई शादी की, जैसे भी जैसे तैसे करके हमने फंक्शन निपटा दिए हैं। और हेयर इज़ द टाइम टू अनबॉक्स द गिफ्ट, जो हमें गिफ्ट मिले थे शादी के टाइम में उसे हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और बहन मेरी जो है वो अभी चौथी के लिए आई है, तो वो भी थी और बच्चे भी सारे थे, भाभी बहन सारे लोग हम लोग बैठ गए थे और अनबॉक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पे गिफ्ट्स की। और कुछ ज़्यादा ही किचपिच हो रही है, तो अभी मेरी जो वॉइस ओवर के बाद आपको ओरिजिनल वॉइस जो है सुनने को मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है ना किचकिच नज़र आएगी, तो उसे इग्नोर कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग की। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं और बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स भी मिले हैं। और आप सारे लोग भी अपने ब्लेसिंग्स ज़रूर दें मेरी बहन को। और यहाँ पे मेरी छोटी बहन जो है ना वो बैठ गई है और एक एक करके सारे गिफ्ट्स को अनबॉक्स कर रही थी। और यूसुफ़ और आसिया आतिफ इन लोगों के लिए भी, अबू बकर के लिए भी काफ़ी सारे ड्रेसेस जो है वो आए थे, तो यहाँ पर हम लोग जितना ज़्यादा हो सका उसे कैप्चर किए हैं। और ये मेरी फ्रेंड के तरफ से है मेरे ख्याल से, और हम सारे लोग बैठ करके ना वही देख रहे थे कौन सा गिफ्ट किसके तरफ से। सारे लोग अपने अपने जो जानने वाले हैं उनके बारे में बताए थे कि ये मेरे फ्रेंड के तरफ से है, ये मेरे फ्रेंड के तरफ से है, तो काफ़ी मज़ा आया। और काफ़ी सारे इन्वॉल्प्स भी थे, तो इन्वॉल्प जो है हम लोग बाद में खोल करके देखेंगे, अभी तो सारे गिफ्ट्स को ही देख रहे हैं। और एक और बात मुझे यहाँ पर शेयर करनी थी कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है ना कि मैंने जो वीडियो शेयर किया है शादी का, उसमें कुछ लोगों का कमेंट आया कि आप लोग हिंदुओं की तरह वरमाला वाली रस्म क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों वो वरमाला की रस्म बिल्कुल भी नहीं थी, मेरी जो छोटी वाली बहन है वो शौक़ से जो है ना फूलों का हार बनवा करके बहनोई साहब के लिए ले गई थी, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था पहनाना, इसलिए उसने क्या किया कि कहा कि जो दूल्हा दुल्हन है वही एक दूसरे को एक्सचेंज कर दे, तो ये अच्छा भी लगेगा। और छोटी बहन जो है साली लगेगी, तो उसे हम लोगों को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ये सारी चीज़ें करना, इसलिए हमने वो कोई एज अ रिचुअल हमने उसे नहीं किया था, बस ऐसे ही क्योंकि फ्लावर के जो भी हार आए थे, तो हमने कहा कि बस एक दूसरे को पहना दिया जाए। हमने कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा ख़ास रिचुअल नहीं किया है, बहुत लिमिटेड रिचुअल्स किए हैं। तो वो भी बड़े लोग जो हैं, हर शादी में बहुत सारे रस्में होती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में बहुत कम रस्में होती हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसे वरमाला की रस्म ना समझें। और यहाँ पे जो है गिफ्ट्स हम लोग वन बाय वन करके देख रहे हैं। ये यूसुफ़ के लिए जो है ड्रेस आया है, तो अभी तो हम सारे लोग वैसे ही रख देंगे। ये दो चीज़ हो गई ना एक साथ, तो बच्चों के लिए भी गिफ्ट्स इसमें आने लगे थे। और बहन के गिफ्ट्स भी जो है अभी हम लोग रखे हुए हैं, जब बहन चाहेगी अपने साथ ले करके जाएगी और जब मेरे बहनों ही साहब चाहेंगे ले करके जाएंगे, क्योंकि मेरे पापा का ये नियम है कि जिसकी शादी होती है ना सारे गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग करने के बाद उन्हीं लोगों को वही दूल्हा दुल्हन को हैंड ओवर कर देते हैं, तो यहाँ पर भी वही करेंगे इंशाल्लाह। आशु का कपड़ा अपना मामा की तरह है। इधर नवाब साहब का। हाँ हाँ नवाब साहब इसीलिए बौखला गए। चलो मेरा सब कुछ सही है। यही लोग नबीला लोग जो दी है। ये किसके तरफ से है? मद्रासी। कौन मद्रासी है? ये आपकी दोस्त के यहाँ से है, लड़की का कपड़ा आशु का है लग रहा। अरे
अच्छा हाँ ये बॉक्स है ऐसा करके क्या हो रहा है किसी को मम्मी को किसी को साड़ी अच्छा कर नहीं आता शादी में वही वाला मम्मी पहन के इतना तो दोस्तों यहाँ पे अब बारी आ गई है एनवलप्स की तो हम सारे लोग वन वन बाई वन करके एनवलप्स भी खोल रहे हैं और देख रहे हैं किसने कितना कैश दिया है और ना इस वीडियो के लास्ट में आप देखोगे कि मेरी बहन जो है वापस जो अपने ससुराल से आई तो उनके ससुराल की तरफ से लड्डू का टोकरा आया है जो हम सारे लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह और फिर लास्ट की क्लिप है जब नाइमा जो है ना वो अपने घर जाने वाली थी और उसे पेंसिल बॉक्स लेना था तो मैं उसे लेकर के गई थी एक शॉप पे जहाँ से वो पेंसिल बॉक्स जो है पसंद करके गई और बहन बहनों ही आए थे तो उन लोगों के लिए खाना वगैरह सर्व हुआ था तो वो सारी क्लिप्स आप लास्ट में देखिएगा। फ़िलहाल के लिए तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे और मेरे घर वालों को ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है ना डीएम कर सकते हो, मेरा इंस्टा आईडी भी सेम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को वो निकाह के दिन जो हमने फिंगरप्रिंट लिया था बहन बहनोई का उसका डिटेल भी आपके साथ बहुत जल्दी व्लॉग में शेयर करूंगी। टिल देन कीप वॉचिंग। अरे कहाँ जा रही नायमा, पीछे पीछे जा रही, तुम जाओ पहले आगे थोड़ा सा चले जाओ, सब हिसाब रखा जाएगा। पसंद आ रहा है कुछ भी? इसमें तो कैलकुलेटर है, है उसमें भी, तो कौन सा कलर पसंद आ रहा है? क्या प्राइस है इसका कैलकुलेटर वाले का?